Namaskar Mandari, In the year 1526, two armies stood facing each other. On one side, there was an army of 12,000 men commanded by a prince from the Timurid dynasty. His name, Zahiruddin Muhammad Babur. And the other side, there was an army four times its size, almost 50,000 men and 400 war elephants commanded by the Sultan of Delhi.

Before we get into the battle itself, let's take a look at the heroes of the battle. And just so you know, this is not the battle that was shown in Ashirosh Gavarkar's recent movie Panipat. That was the third battle of Panipat. Today we are going to talk about the first battle of Panipat. Babar was originally from Fergana in Uzbekistan, but he had moved to Kabul. जब बाबर अपने दिमाग में हिंदुस्तान की खिचड़ी पका रहा था तब दिल्ली सल्तनत पे लोदी का राज था इब्राहिम लोदीडेड इज फादर सिकंदर लोदी टू द्रोन ऑफ दिल्ली हाउ एवर ही वॉज नॉट लाइक्ड बाय मैनी इब्राहिम लोधी वॉज अ ब्रेव वॉरियर बट ही वॉज अ टेरिबल एडमिनिस्ट्रेटर ही डिड नॉट थ्रीट हीज सब्जेक्ट्स वेल एंड टुक वेरी रैश डिसीजन्स ही ऑल्सो रिप्लेस्ड ऑल इज ओल्ड नोबल मैन एंड कमांडर एंड रिप्लेस दैम विथ यंग पीपल लॉयल टू हेम जब इब्राहिम लोधी के पुराने मंत्रियों ने बाबर के बारे में सुना तो उन्होंने उसे न्योता भेजा कि आप आओ इंडिया पर अटैक करो और हमको इस इब्राहिम लोधी से बचाओ बाबर को हिंदुस्तान पे अटैक करने के लिए किसी के इनविटेशंस की जरूरत नहीं थी बट जब ऐसे इनविटेशंस सामने से आने लगे तो बाबर का इरादा और भी पक्का हो गया बाबर काबुली चना खा के पक गया था उसको अभी दिल्ली के कबाब थे। स्टार्टेड इस कैंपेन इन कैप्चरिंग एरियाज इन पंजाब रीजन एंड कैप्चर वॉज कैप्चरिंग पंजाब Ibrahim Lodi, the Sultan of Delhi, had still not made his move. He thought that Babur will just loot and go back to Kabul. But when he realized that he is such a he started assembling his army. But Ibrahim Lodi was not a good general. He was not really sure what to do. Should he go and meet Babur in the way or should he wait in Delhi and let Babur come to him? The two armies finally came face to face on April of 1526 near the town of Panipat. बाबर न्यू दैट इज़ आर्मी वाज़ स्मॉलर देन इब्राहिम लोदीज एंड हैड चोजन द बैटल ग्राउंड केयरफुली अपनी साइड्स बचाने के लिए बाबर ने उसकी आर्मी ऐसे पोजीशन की ताकि उसके राइट साइड पर पानीपत का टाउन था ताकि इब्राहिम के फोर्सेस वहाँ से रश नहीं कर सकते एंड ऑन हिस्स लेफ्ट साइड उसने खड्डे खोदे और वहाँ पर ब्रांचेस डाल दिए ताकि कोई हॉर्सेस वहाँ से आ ना सके बाबर ने सात सौ बैल गाड़ियाँ कलेक्ट की थी अपने खुद के ऑनड्रॉ से और सम लोकली एंड उसने वो सारे बैलगाड़ियों को एक दूसरे से बांधकर कर उसके आर्मी के सामने रख दिया था लाइक अ वॉल हर दो बैलगाड़ियों के बीच में उसने बक्से रखे थे जिस पे खड़े होकर उसके मैचलॉक मैन जो तब के टाइम के गनमैन हुआ करते थे वो खड़े होकर शूट कर सके और उसके आर्चर्स भी वहाँ पे खड़े होकर शूट कर सके उसने बैलगाड़ियों के बीच में अपने कैनन्स भी लगा के रखे थे ताकि आने वाली आर्मी पर अटैक कर सके बाबर ऑल्सो हैड अ रिजर्व फोर्स एंड अ फ्लैंकिंग पार्टी रिजर्व फोर्स का काम था जब उसके कोई भी सोल्जर्स वीक पड़ रहे तो उनको जाके सपोर्ट करे और फ्लैंकिंग पार्टीज जिनको तुगलमा बोलते थे उनका काम था साइड से जाके एनिमी को हैरेस करे ताकि वो लोग डिसोरियंट हो जाए द ईव ऑफ इब्राहिम लोधी डिसाइड टू तो अटैक बाबर इट वॉज डेफिनेटली मैसेकर बट इट वॉज बाबर कम आउट विक्टोरियस कैनन्स और गन्स इंडिया में तब वॉरफेयर में इतने कॉमनली यूज नहीं किए जाते थे तो जब इब्राहिम के आर्मी की आर्मी बाबर के कैंप की तरफ गई और वहां से फायरिंग हुई तो वो डर गए और इन पैनिक में बहुत सारे हाथी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लग गए जिससे इब्राहिम का ही नुकसान हुआ बाबर आल्सो यूज्ड इस फ्लैंकिंग फोर्सेस एंड रिजर्व फोर्सेस वेरी फाउंड देमसेल्फ सराउंडेड एंड पैक्ड इनटू द सेंटर विद कैन गन्स एंड आर्चर्स रेनिंग ऑन देम इब्राहिम लोधी डाइड ऑन द बैटल फील्ड अलॉन्ग विद फाइव थाउजेंड लॉयल हॉर्समैन सराउंडिंग हेम एज पर बाबर्स ओन अकाउंट द टोटल कैजुअल्टीज ऑफ लोधीज आर्मी वॉज अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड जब बाबर को रियलाइज़ हुआ कि इब्राहिम लोधी मर गया तो उसने अपने बेटे हुमायून को बोला बेटा जा जल्दी आगरा और ट्रेजरी कैप्चर कर इसके पहले कोई और आ जाएगा How did Babur defeat Ibrahim Lodi, who had such a large army? Years of conquering, marching, fighting, and campaigning had made Babur an excellent strategist and an amazing general. He knew how to take care of his own men. He made sure that they were paid on time. He made sure that they were well fed and rested. In his own book, The Babur Nama, he mentions that how he used to sit and dine with his soldiers. The soldiers considered him one of their own. एंड रिस्पेक्टेड हेम एज दीडर ऑन द अदर हैंड इब्राहिम लोधी वॉज डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज सोल्जर्स इवन दो हिस ट्रेजरी वॉज फुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर हिज सोल्जर्स वो आर नॉट प्रॉपरली पेड हिज सोल्जर्स वो आर नॉट लॉयल और डिसिप्लिन वो बस होप कर रहे थे कि उनके नंबर्स और हाथियों की बदौलत वो जंग जीत जाए टुडे वी रिमेंबर बाबर मोस्टली ड्यू टू द बाबरी मस्जिद कॉन्ट्रोवर्सी बट बाबर वॉज नॉट लाइक अदर इन्वेडर्स केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाबर केम टू इंडिया To seek a new home, to establish a kingdom. After the first battle of Panipat, the age of the Mughals started. Babar had to further fight the Rajputs in Kanwa and Afghans in Gogra to consolidate his power. Later, his son Humayun also had to face some problems. But it was Babar's grandson Akbar that would extend the kingdom and go on to set up an empire which would rival the Roman Empire in terms of size and prestige. I hope you really enjoyed this video. As usual, I have put all the resource material that I use for my research in the description below. Always remember that these videos are meant to ignite a chingari inside you so that you can learn more and read more about the events. They're not meant to be complete source of information. Please go out and learn and read more. tar vatsal. Thank you.